हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिलाल कुछ कहते हुए जाएं चले गए वो, क्या कहूँ, सलाम ही कर दो, बहुत आपको मिस कर रहे हैं लोग। सलाम वालेकुम। अच्छा हमारी मैचिंग हो गई है, जरा इधर आना। नहीं इधर नहीं, इधर आ, मेरा और तुम्हारा कलर मैच मैच है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर। अच्छा एक इधर, एक दफा एक दफा बिलाल, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। नहीं अच्छा एक मिनट, इधर मुझे जाना है। एक मिनट मुझे दिखाई तो दे, मैं देख दुक्केट है भाई। इनकी शर्ट कोई 10 साल पुरानी है, हमारा नया सूट है। चेक करें हम कितने प्यारे लग रहे हैं। हम क्यों इतने प्यारे तैयार हुए हैं, क्योंकि आज है जुम्मा, तो जुम्मा सबको मुबारक हो। हमारा दिल करा कि हम आज अच्छा सा तैयार हों और अच्छी सी कोई चीज़ बनाए आपके लिए, क्योंकि व्लॉग तो वैसे चल नहीं रहे, तो अब हमने सोचा हम रेसिपीज़ बनाएंगे, अब अच्छे कुक बनेंगे हम। बट ये प्यारा कितना लग रहा है, माशाल्लाह। दुपट्टे का प्रिंट भी ऐसा है जैसे दस्तखान ही होते रोटियां जिसमें रखते हैं पाकिस्तान में, वैसा प्रिंट है। नन देना दे दे कुड़ दे कुड़े, प्यारे तो हम लग रहे हैं। एक हमारे इयररिंग्स चेक करें, बालियां, इनको कहते हैं बालियां कहते हैं नहीं, लूप्स कहते हैं। तो यस, बिना टाइम जाया किए बिना हम अपनी स्पेशल रेसिपी पे आते हैं। ये स्पेशल क्यों है और ये क्या है और ये किस लिए है? भाजी कुछ भी बनाती हैं तो वो कुछ स्पेशल ही हो जाती है। ये स्पेशल ये है कि इस रेसिपी को सीखने के लिए हमें यूट्यूब की कोई 10 से 15 वीडियोस देखनी पड़ी है, तो ये इसलिए हमारे लिए स्पेशल है। कॉपी पेस्ट हम कर रहे हैं लोगों की, मिक्स करके समझने की हमने काफी कोशिश की। हर कोई अपनी वो बेच रहा है, क्या कहते हैं अपनी, क्या कहते हैं यार बता दो ना। चीजें आपको नजर आ रही है, कुछ भूल जाए कुछ इंग्रेडिएंट्स रह जाए तो हम साथ में ऐड भी कर देंगे। बट ये हमारी डिश है, लग तो खूबसूरत लग रही है पर समझ नहीं आ रही बेसिक चीजों से बनेगा क्या। काफी दिनों से हमको क्रेविंग हो रही थी गुलाब जामुन की, और ऑरलैंडो में वो इतने मजे के गुलाब जामुन मिलते नहीं है। बचपन में हमारी अम्मा बनाया करती थी गुलाब जामुन। ये ना अफसरों की बेगमों के अंदर एक अजीब सा कीड़ा होता है, इनको ना कुकिंग कर करके एक दूसरे को डिग्रेड करने का, अपने आप को सुपीरियर करने का बड़ा शौक होता है। ये हमेशा तुम देखना लेडीज क्लब में जाके किटी पार्टी करेंगी, पॉटलक करेंगी, फिर बताएंगी। अब तो बहुत ही ज्यादा अपर लेवल के हो गए, पहले जमाने में भी औरतें ये इन्होंने ही शुरू किया, लेडीज क्लब, मेहंदी नाइट, शादी नाइट, रुखसती नाइट, सानू समझ। और 20-20 साल तक अपने वही घिसे पिटे शादी के कपड़े लहंगे ला ला के, मैं जब गई ना तो 6 साल पुराना मैं ब्राइड बनूंगी, वो पुराने पुराने लहंगे साड़ी मत्थे से दे मारेंगे और हम लोग भी तालियां बजा बजा गए, इतना खूबसूरत इतना खूबसूरत। और उन्होंने यूज क्यों करने ने, इधर ही यूज करना है, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बुराई नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है। मतलब ये आपस में एक्टिविटी है, अच्छा है एक दूसरे को उठाओ, लेकिन मतलब प्रॉब्लम ये है कि एज फार एज लेडीज तक बात है इट इज ओके, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फौज में ना अफसर इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब सीनियर अफसरों की बेगमात करती है। अगर तुम पार्टी में लेडीज क्लब में नहीं आए तो देख लो तुम्हारे मियाँ की प्रमोशन हमारे हाथ में है। फिर जो इस लेवल तक बात चले जाए ना फिर मजा नहीं आता, फिर आई थिंक फन खत्म हो जाता है। चीप फन, फन को फन की लेवल तक इंजॉय करें तो दैट्स फाइन, हमें नहीं बात करनी चाहिए, हमें कुकिंग करनी। हम बना क्या है, हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। कहाँ से ये रेसिपी कहाँ से आई, हमारी बचपन में अम्मा बनाया करती थी, हमें भी नहीं याद, हमें नहीं पता कि वो कौन सी रेसिपी बनाया करती थी, और हम अम्मा से पूछेंगे तो भी उनको याद नहीं, उन्होंने कोई 20 साल से गुलाब जामुन घर में बनाए नहीं होंगे। इन्होंने सीखी थी ये कश्मीर में मुजफ्फराबाद में रेसिपी, वही लेडीज मिल मिल के जो उल्टा सीधा बनाती रहती है। तो उसके बाद काफ़ी अर्सा बनाई, बट हम बना रहे हैं। इंग्रीडियंट्स आर वेरी सिंपल, आई डोंट वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ शॉर्ट वीडियो रहे कुकिंग स्पेशली व्हेन अलमी इज इन किचन, सो आप सबको फायदा हो, आप सब मेरी तरह अच्छे बच्चे कुक बने। हम ये पहली दफा ट्राई कर रहे हैं, अब आप देखेंगे ये जैसी बनी, बट आप लोगों ने ट्राई जरूर करनी है क्योंकि हम गारंटी दे रहे हैं ना। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज, 10 यूट्यूब वीडियो के बाद हमें अंदाजा हुआ जो चीजें आपको याद रखने के लिए जरूरी है, जो 10 वीडियो में कॉमन थी वो ये थी कि इसमें ना मिल्क पाउडर यूज होता है, सूखा दूध से कहते हैं पाकिस्तानी जबान में, सूखा दूध ठीक है, पाउडर मिल्क ओके, और मैदा ठीक है, हम मैदा भी लेंगे। मेजरमेंट के लिए जो कप यूज किया है ना वो एक ही कप सबके लिए यूज करना है, हर चीज के लिए दूसरा दूसरा कप नहीं निकालते हैं ठीक है, क्योंकि कपों की भी साइज आगे पीछे हो जाती है ना। तो हम कप लेके आते हैं, हम कौन सा कप यूज करेंगे, थोड़ी ज्यादा बनाएं कम बनाएं,
ड्रॉर हमारे खुले हुए, हम कुकिंग करें और सीधी हो जाए। कभी किस्मत हमारी भी है कि हमारी चीजें ठीक हो जाए, पता नहीं। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग भी देखूं कि चल भी रही है कि नहीं। तो बिना टाइम किए बिना शुरू कर दे, क्योंकि बिलाल अपने काम से कहे, उन्होंने डॉक्टर के अपॉइंटमेंट जाना है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना है। मैंने आयमा को पिक करना है और मैं प्यारी कितनी लग रही हूँ, मेरी लिपस्टिक वही लोरियल वाली है जो कि मेजर क्रश, जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो जी कम करिए, हमने काम भी आप लोगों के सामने करने हैं, ठीक है। एक कप पाउडर मिल्क, सूखा दूध, यस काफी है। ऐसा ना हो कि सारा कुछ बेड़ा कर रखी हो जाए, तो कम कम ले। तो पहली दफा बना रहे हैं, मेरी तरह अनाड़ी है, अनाड़ी नहीं है, हम हैं खतरों के खिलाड़ी। अनाड़ी बनाड़ी हम नहीं है, आऊंगे कोई और अनाड़ी। मैंने आज तक जितनी भी यूट्यूब से रेसिपीज बनाई है सब बेड़ा कर बनी है, तो क्या हुआ अब बनाना छोड़ दे, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। जितना मैदा लेना है, नहीं जितना सूखा दूध लेना है, पाउडर मिल्क लेना है, मैदा जो है वो जो है उसका हाफ लेना है। तो हाफ कप जो है हम लेंगे। यार अलमास इतनी कुकिंग करती हो, तमीज के मेजरमेंट वो ही ले लो। नहीं भाई हम नहीं ले सकते, हमें भूल जाती है चीजें, काम की चीजें हम में थोड़ा ज्यादा हो गया, काम की चीजें जो है ना हमें लेना ना भूल जाती है, हम सिर्फ फजूल चीजें लेके आ जाते हैं। इतना आधा ठीक है डाल दीजिए इसके अंदर, इनको सील करके रखिए, वरना अच्छी अगर खातून है तो वो जाते हैं ना जार्स मिलते हैं, सील जार्स जो होते हैं ना उनमें रखिए। अगर मेरी तरह फोहड़ है तो कुछ भी कर लें, किसने पूछना है। लोग इसमें इलायची भी डालते हैं, मेरे ख्याल में गुलाब जामुन में इलायची नहीं डालते, हम इलायची उसके शीरे में डालेंगे, ठीक है। क्योंकि वो आगे तो मेरे पास अभी वो कूटने वाली है, वो उसका वो बनाने वाली है नहीं, सो सॉरी वो मेरी खराब हो गई है, ठीक है। अब इसमें घी डालना है, घी, दिस इज घी, ठीक है। हम डालडा घी यूज कर रहे हैं, आपकी मर्जी है कुछ भी यूज कर ले, ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पर हम घी क्यों कर रहे हैं। 3 टेबल स्पून, 1, 2, 3, मेरे ख्याल में काफी है। अच्छा मेरी ना आदत है बीच में से ना कुछ करने की, और मुझे पता है इसी वजह से चीजें मेरी खराब होती हैं, पर आदत से मजबूर की करा मैं, सुकून थोड़ी है मुझे। अच्छा ये वैसे यूट्यूब वाले ऐसे डिशेस बनाते हैं बताते हैं, मैं जो आपको बता रही हूँ जिससे मतलब उनकी फैमिलीज कोई 4 पीढ़ियां जो बनाती थी, हम तो ये भी नहीं कह सकते। हम क्या कहें कि हमारे पिछले हमारे ग्रैंड फादर वगैरह तो प्याज से रोटी खाते थे, गाँव में रहते थे, तो उनकी पता कि गुलाब जामुन के, हमारे थोड़े मुगलों के खानदान में किचन में वो थे, क्या कहते कुक थे, तो हमारे तो नहीं थे, हम क्या करें। तो हम जो है ना फिर यही काम करते हैं, फिर हमको नहीं पता, हम ये भी नहीं बोल सकते मतलब कुकिंग के लिए, इसीलिए तो लोग मुझे फॉलो नहीं करते। क्या मेरी कुकिंग फॉलो करेंगे, लोग फॉलो करते नाम पे चलते हैं कि पीछे से क्या था। तो हम तो वही पीछे से जमींदार थे, दूध डालने के बजाय पी लेते थे गुलाब जामुन। ओके 1/4 कप ऑफ, इसे हम गूंदेंगे, ये पहले आप इसको ना थोड़ा सा इससे कर लीजिए, इनको ना मिक्स कर लीजिए, ताकि ना अपने जो आपने प्रिंट पहना है जो कि रोटियां जिसमें दस्तरखान में रखते हैं ना जिस तरीके की लग ऐसी रहे कि हमने ऊपर कर लीजिए, ताकि आपके कपड़े वगैरह खराब ना हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, अगर आपको दूध या थोड़ा सा कम लगे तो बाद में डाल दीजिएगा, ऐसा ना हो कि मैंने जितनी मेजरमेंट। लकीर के फकीर नहीं बनना कुकिंग में, मेरी कुकिंग का ये है लकीर के फकीर नहीं चलेगा भाई, थोड़ा सा ना अपना भी डालो, अकल डालो, ठीक है। सीरियस कुकिंग, सॉरी यार, दिल से साफ हूं मैं, दिल से परेशानी मत ले, ठीक है। ये थोड़े से देखो इस तरह हो गया ना, हाथ से भी कर सकते हो, कोई हाथ तुम्हारे गंदे नहीं है, हाथ धो के, जिस तरह लोग मुझे कहते हैं बाल बंद करो बाल चले जाएंगे, भाई मेरी फैमिली ने खाने अगर बाल चले गए तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुमको तो नहीं खिला रही ना भाई, मत ना अगर हम इन्विटेशन दे दो, ठीक है। हाँ तो ये मैं कह रही थी, और एक चलो अच्छा मुझे भी ना सारी फजूल बातें ना इसी टाइम याद आती हैं, बिलीव करो मैं सोच के नहीं बोलती, मुझे याद ही फजूल बातें अभी आती हैं। आटा गूंदे, जैसे आटा गूंदते हैं बेड़ा लगता है, कर दिया हमने क्योंकि वो हो गया बिल्कुल वॉटरी वॉटरी, हमको तो नहीं लग रहा कि आटे की तरह बनेगा, क्या बनेगा अल्लाह जाने, हम तो बना रहे हैं भैया, दिल साफ होना चाहिए, ये तो चीजें बन जाएंगी फिर भी।
नहीं हुंदा सी हाउ क्यूट मैंने 10 देखी ना उनमें से कुछ में बेकिंग सोडा भी डाला हुआ था हम नहीं डाल रहे क्योंकि अगर फट गए तो कौन जिम्मेदार होगा पूरे फ्राई पैन में अगर ये यूं फट 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 पड़ गए कौन जिम्मेदार होगा आप जिम्मेदारी लेंगे नहीं लेंगे ना यार हमें जल्दी करना है अच्छा इसको इसको गूंद के एक तरफ रख ले ठीक है बड़ा प्यारा गूंदा है पता है वेरी क्यूट सी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी क्यूट सी इस ये तरीका होता है कितने कि बेचारी के कितने महीने चल रहे आई एम सॉरी डॉक्टर हूं ना क्या करूं चीजें मिक्स हो जाती है दिमाग कहीं और है सोच कहीं और है पता नहीं क्या तरह चल भी रहा है कि नहीं चल रहा यार मेरी कुकिंग शो का क्या होगा सॉरी रख दे पता नहीं वो ऊपर से प्लास्टिक कवर या कपड़ा डाल के क्यों रखते हैं पता नहीं मुझे मजा आ रहा है वो स्लाइम की तरह ना स्लाइम जो बनती है उस तरह मजा आ रहा है तो मैं ये कर रही हूँ हरकतें आप ना करें इस तरह की हरकतें ठीक है मेरे तो दिमाग में 10 चीजें चल रही होती हैं तो इसको ऐसे रख के ऊपर से कपड़ा डाल दे या कुछ कर ले ऐसे ही रख दे ठीक है चलो तो ये डाल देते हैं आप लोग कहते फिर कहेंगे अलमास कुकिंग ठीक नहीं करती ठीक है अब ये चीजें वापस रखें शीरा इज वेरी सिंपल टू मेक सो आ जाए तो शीरे के लिए भी मुझे किसी ने बोला था किसी ने नहीं बोला था जो हमने यूट्यूब पे की कॉपी कर रहे हैं यूट्यूब व्लॉग्स की उन्होंने बोला था कि ज्यादातर बाजियां जो थी तो दो ये कप है ना तो दो कप जो है पानी डालेंगे पानी जितना डालेंगे शुगर उसके हाफ डालेंगे ये 1 कप ठीक है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हम लोगों की रेसिपियां सिखा रहे हैं अब पता नहीं क्या बनेगा अल्लाह माफ करे ये 2 कप हो गए तो इसमें हम क्या डालेंगे कितना डालेंगे शुगर 1 कप डालेंगे ठीक है 1 कप 2 कप ऑफ वाटर 1 कप ऑफ शुगर ठीक है पुट दैट इन और जो इसमें ट्रिक वो बाजियां बता रही थी और हमारे भाई बता रहे थे कि हल्की आंच पे बनाना है ठीक है ज्यादा शोधियां नहीं मारनी ठीक है जी कुकिंग हो रही है बाजी कुकिंग कर रही है ठीक है हम ये शीरा बना रहे हैं गुलाब जामुन का फिर उसके बाद गुलाब जामुन के बॉल्स बनाएंगे और देन वी विल पुट सो ये रही इलायची 3 से 4 हसबे जायका चम्मच हिलाते जाइए ठीक है काफी है क्योंकि मेरे बच्चों को नजर आ गई तो उन्होंने कहा नहीं ये क्या है थोड़ा सा गाढ़ा होता रहे इतना भी गाढ़ा ना कर दें कि स्टिकी बनके टॉफी की तरह चिपक जाए जैसे आजकल वो चैनल मिलते हैं पता है वो स्ट्रॉबेरीज ना शुगर कोटेड ना क्रिस्पी वो करके क्रंची करके देते हैं आज हमारे गुलाब जामुन वो ना बन जाए गलती से ऐसा कुछ ना हो जाए उल्टा सीधा काम नहीं करना लेकिन जल्दी से हम जाते हैं बॉल्स बनाते हैं छोटे 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 प्यारे प्यारे से बहुत सी हमारे से बॉल्स कैसे बनते हैं अंजाम देखे हमने थोड़ा सा ऑयल रखा ऑयल को करके फिर उसको गोल बनाना है ये देखे ठीक है ये आटा है आपका सॉफ्ट आटा अगर इस तरह सॉफ्ट ना हो ना तो थोड़ा सा दोबारा से गूंद लें दूध डाल के थोड़ा घी डाल के और ठीक है जो दिल करे भाई अपना घर है अपनी मर्जी है सो थोड़ा सा ऑयल डाल दे मैंने सारा ऑयल उसमें डीप फ्राई में डाल दिया है भाई आ जा वो ना लोशन समझे जैसे समझे लोशन लगा रहे लोशन होता है ना क्या कर रही हूँ अलमास व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कितने बड़े बनाए मुझे लग नहीं रहा कि कुछ होगा लेकिन चलो जिन्होंने रेसिपी बनाई थी लगता है बेकार ही बनाई थी गुलाब जामुन भी हल्की आंच पे पकाने हैं क्योंकि इनको अंदर से पकना है सो इट विल टेक टाइम इट विल नॉट बी लाइक दिस के फौरन से बन जाएंगे ना सो यू हैव टू क्योंकि हम साथ साथ ही बनाते जा रहे हैं क्योंकि आयमा का टाइम हो रहा है तो हमने ऑयल किया है हमारा हाल ये है कि ना हमारे बॉल्स तक जो है ना ये देखें सही मतलब वो नहीं बने एक साइज के नहीं बने हमसे एक साइज के बनते नहीं है मेरी जान
लेकिन बॉल को इतना वो रोल करें, छोटे छोटे को यूं देखें कि नरम हो जाए अंदर से। कितनी खूबसूरत है, हमारे हाथ में जादू है, जादू ममता के हाथ में, माँ के हाथ में जो होता है ना वैसा जादू है। बस ये जैसे ही आंच हल्की, आपने हल्की आंच में बनाना है, ठीक है मेरी जान, ये उन्होंने स्पेशली कहा है हम जैसे बोंगों के लिए। अलाई जाने की बनाएंगे, बट बना लेंगे हम, हमारा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इसको जरा नीचे करिए, ये जरा देखिए, अब हमारी बुराई नहीं करनी जो हम बना रहे हैं, हम भी पहली दफा बना रहे हैं, आप भी पहली दफा बनाइए, ठीक है। और भी जा सकते हैं, जा सकते हैं तो डाल डाल दीजिए, एग्जॉस्ट चलाइए, वॉइस ओवर करना पड़ेगा। मैंने एक ही दफ़ा में डाल दिए थे, बट यू कैन सी द कलर इज़ कमिंग एंड द गुड पार्ट इज़ दिस, जो पहले डले हुए हैं वो डार्क कलर में हैं, जो बाद में डले हुए हैं टूटे नहीं हैं, गोल रहे हैं, गोल बिल्कुल एग्जैक्ट गोल, राउंडेड, दे डिडंट ब्रेक इन द ऑयल एंड लुक एट द ब्यूटिफुल। ये चेक करें मेरे गुलाब जामुन, हाय हाय मैं कितने जावा, मैं खुशी नाल मर ना जा। आंच पे ये जलेंगे नहीं, वट एवर कलर यू लाइक यू कैन, मतलब मेरे ये वाले हो चुके हैं, दिस इज द कलर आई वॉज लुकिंग फॉर, ठीक है। ये जो है ना ये वाले सारे हो चुके हैं, सी तो ये अब मैं निकाल रही हूँ, ठीक है, जो ज्यादा पक गए हैं। आ जाओ भाइयों, घंटा लगाओगे क्या निकलने में भी। See how pretty, यार, how pretty. See, this is, अब ये डालेंगे शीरे के अंदर, ठीक है, ये डाल दीजिए, ठीक है, वापस आके फिर हम टेस्ट करेंगे। बस जल्दी से इसको कर दिए, इसको जल्दी से अब करेंगे, इनका रंग हो जाए। इनका दिखा दूँ, मैं अम्मा को लेने जा रही हूँ, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। सो या आके अब हम टेस्ट करें। बिलाल आ जाइए, आपकी बेगम ने आज शहकार शहकार मारा है, आज हम दोनों मैचिंग हैं। बिलाल अपने कपड़े दिखाइए, हस्बैंड वाइफ। अब मैं रख के गई थी ना यार, उन्होंने साइज इंक्रीज किया है, जब उसके अंदर गई हूँ ना, है थोड़े सख्त हैं लगता है, थोड़े शीरे में डाले हुए हैं। गुड है, इतने भी नहीं है, थोड़े शीरे में और रखने पड़ेंगे। बिलाल सच बताऊं तो इसमें इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप है, अगर ये यहाँ पे है तो यहाँ पे होना चाहिए, तो इसमें काफ़ी गैप है, उसको थोड़ा सा ब्रिज करो गैप को। मैं आता हूँ नमाज पढ़ते थे। ले शीरा, शीरा चूस रहे हैं ना। भाई मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, शीरे को अगर सही तरीके से एब्जॉर्ब कर ले ना। आ जाओ इसको ले आई मैं, आ जाओ। गुलाब जामुन, व्हाट्स गुलाब जामुन? इट्स नॉट जर्मन, इट्स जर्मन, ये जर्मन शेफर्डी है, कुत्ते की तरह है, जर्मन है ये मुगलाई डिश है। व्हाट इज इट? इट्स मुगलाई, इट केम फ्रॉम द मुगल्स। जिसने पानी ज्यादा पिया ना, हमारा शीरा थोड़ा कम है, इसको थोड़ा मैं ज्यादा बनाती हूँ, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब करना ही लो। नो नो प्लीज थैंक यू, नो थैंक यू,
I don't understand what you're doing. Why are you acting like this? You must be so cool. But now you're... चलें इसी के साथ हमारा व्लॉग करते हैं खत्म. अपना ख्याल रखें, प्यारों का ख्याल रखें. फिर दोबारा फिर लेकिन गुलाब जामुन बहुत अच्छे बने. शीरा बनाओ शीरा. और एक और अगर अकलमंद ही करनी है ना तो टूथपिक लगा दो. मैं भी टूथपिक लगा लेती हूँ ताकि वह एब्जॉर्ब करें. मैं भी कर रही हूँ ठीक है. ये ट्रिक मैं खुद दे रही हूँ. बाय. ट्रिक बता दूँ मैंने क्या किया है ना. ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, प्यारे कितने लग रहे हैं. एक तो अभी ये इन्होंने और पियेंगे पानी ठीक है. फिर मैंने काम ये किया है जैसे मुझे लग रहा है ना कि ये लोग ये जो है ना वो नहीं कर रहे पानी. मतलब अभी मैं जल्दी से आई हूँ तो इनको आप ऐसा करें इसमें डालें और ना दो तीन जगह से ना वो कर दें ठीक है. ये देखें ये पूरा प्रॉपर सोक हुआ है. जो पानी के अंदर है वो प्रॉपरली सोक हुए. ये देखें हाउ नरम इज दिस ठीक है. ये देखें तो इनके अंदर दो तीन सुराख कर दें और ना ताकि ये भी नरम है तो कि ये सही तरीके से पानी पी लें. और ये शाम तक जो है ना आपके फिर इनको आपने गर्म करना है तो माइक्रोवेव कर लें. तीन चार सुराख कर दें जितने आपको चाहिए ताकि जूस तरीके से सही तरीके से पी लें. चलें ये ट्रिक मैंने दे दी और इनको पानी के अंदर डिप कर दें शीरे के अंदर ठीक है ताकि ये पानी पी सकें. पियो मेरे बच्चों पियो पानी प्रॉपरली पियो ताकि तुम लोगों के अंदर ना और आप लोग इंजॉय करें.